सत श्रीकाल सारे मेरा नाम गगनदीप द वीज़ा ऑफिस तो एक बार फिर हाजिर हो इस चैनल के थ्रू तुहानू बहुत वधिया न्यूज़ लैके जिहड़ा कि यूके और आस्ट्रेलिया लेकर हैगा जिहड़ा लोगों के काफ़ी सारे कंसर्न से उन्होंने अज आप इस वीडियो दूर करांगे कि वट इज़ जी एस आर एंड वट इज़ जी टी ई कि आखिर जी एस आर और जी टी ई है कि वो दो कंट्रियाँ जिन्हों का बच्चों के सब तो ज़्यादा क्रेज़ हैगा है वह हैगी है यूके एंड आस्ट्रेलिया। सो यह वो कंट्रियां ने जिदे बच्चा ग्रैजुएट होने तो बाद अपने स्पाउस नाल लेकर जाना चाहता है तो यह दो कंट्रियां जिदे ईजली जा सकता है बट डिपेंड करता है कि वो क्वालिफिकेशन के उत्ते परसेंटेज के उत्ते आइल्स स्कोर के उत्ते सारी चीज़ें ये बहुत मैटर कर दी हैं। सो अज आप गल करांगे इस वीडियो कि मेजर डिफरेंस की हैगा यूके एंड आस्ट्रेलिया दे विच जिहड़ा जी एस आर जिहड़ा यूके दा हैगा और जी टी जिहड़ी आस्ट्रेलिया दी हैगी है कि दोनों दे विच डिफरेंस की हैगा कि इन्हां दी इहदे उत्ते ही क्यों रिजल्ट हमेशा मैटर करते हैं दोनों कंट्रियां दे। जदों दा यूके विच जी एस आर रूल आया तां दा यूके दा वीज़ा सक्सैस रेट एकदम हाई ते चला गया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी यूके वालों प्रॉम्प्टली आने शुरू हो चुके हैं। जे गल करिए आस्ट्रेलिया दे जी टी ई दी ते जी टी एक वो मेन कंसर्न रहिंदा हमेशा आस्ट्रेलिया दे वास्ते जिहदे विच आस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा रिजिड होकर बहुत ही ज़्यादा उहदे विच जाके तफतीश करती है बच्चों के डॉक्यूमेंटेशंस नूं लैके या उहदे फाइनैंशियल्स नूं लैके। सो बच्चा कहिंदा मेरे कोल भाई आफ्टर मैं ग्रैजुएशन तो बाद मेरा गैप सी मैं उहदे विच अपना एक्सपीरियंस हैगा है मेरे को मैं जॉब की है जी। सो जिहड़ी जॉब की है मेरे को एक्सपीरियंस हैगा एक कल्ला एक्सपीरियंस देने नाल नहीं तुहाडा जी टी ई अप्रूव्ड हो जाने अगर तुसी अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो उहदे विच तुहानू अपना अपॉइंटमेंट लैटर तुहाडा जॉइनिंग लैटर तुहाडे पे स्लिप सैलरी स्लिप पेमेंट जिहड़ी कैश विच आ रही है या तुहाडे अकाउंट विच आ रही है यह सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट स्टेप ते आ जांदा उहदा फंडस वगैरह जिहड़ा तुसी शो कर रहे हो और एक तुहाडा इनकम प्रूफ्स जिहड़े तुहानूं प्रूफ करने पैंदे ने क्योंकि आस्ट्रेलिया जी टी नूं लैके शुरू तो ही बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा है बहुत ज़्यादा रिजिड रहा है क्योंकि जदों तक लॉकडाउन ओपन होया और आफ्टर टू ईयर जदों आस्ट्रेलिया ओपन होया सारे नूं बड़ी उम्मीद सी कि आस्ट्रेलिया वाह वाह रिजल्ट देगा हुण तो बहुत ईजली अपने रिजल्ट्स आएंगे आस्ट्रेलिया के जी टी लैके थोड़ा जिहा लीनियंट हो जाएगा बट उस सारी चीज़ें गलत हो गई जुलाई इनटेक नूं देखते हुए काफ़ी बच्चों के ऑफर लैटरस आ गए सी बट अगे दे अगे वो डैफर होंदे रहे क्योंकि जी टी अप्रूव नहीं हो पाए। सो जिन्हां बच्चों के वो डॉक्यूमेंटेशन कोई कमी नहीं सी उन्हां दी जी टी जिहड़ी है स्मूथली निकल भी गई उन्हां दे वीज़ाज़ भी मिल गए जुलाई इनटेक दे। सो जी टी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंदा आस्ट्रेलिया दे विच जिन्हों जेन्युइन टेंपरेरी एंट्रेंस भी कहने इदा ही यूके की अगर आप गल करिए तो यूके का हैगा जी एस आर रूल तो जदों का जी एस आर रूल आया है यूके दे विच तां दे यूके दा वीज़ा सक्सैस रेट भी बहुत हाई हो गया। जी एस आर रूल की कहता कि बच्चे तो उसे पॉइंट सिस्टम बनाता जिसे 70 पॉइंट की लोड़ होंदी है 50 पॉइंट होंदे ने बच्चे दे कैश लैटर दे 10 पॉइंट होंदे ने उहदे फाइनैंशियल्स दे फंड्स दे और 10 पॉइंट्स होंदा उहदे आइल्स या पीटी वगैरह ते जिहड़ा उहने इंग्लिश लेवल असैसमेंट टेस्ट दित्ता होया। सो अगर वो चीज़ बच्चे दे कोल हैगी है तो बच्चे नूं स्ट्रेट अवे कंसर्न दिखाते उहनूं वीज़ा भी हाई कमीशन देंदी है। सो यूके विच जदों तक जी एस आर रूल आया मैं कह रहा कि यूके का हायर सक्सैस रेट हो गया बहुत ज़्यादा। सो जी एस आर है कि जी एस आर हैगा जेन्युइन स्टूडेंट राउटिंग सो जिदे थ्रू उन्होंने यह चीज़ करके सारी चीज़ों नूं देखते हुए एक ही पैरामीटर से अंदर लेकर आ गए और उहदे अकॉर्डिंगली उहदी फाइल के उत्ते असैसमेंट करके उन्हें रिजल्ट भी ग्रांट करना यूके गवर्नमेंट ने शुरू करता। जदों तक ना जी एस आर रूल नहीं सी उहदे विच काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता सी यूके वो कंट्री है जिन्हें वीज़ा ही नहीं देना और वीज़ा लेना बहुत औखा है बट यस जदों का जी एस आर रूल इंप्लीमेंट होया यूके दे रिजल्ट्स भी बहुत वधिया आने शुरू हो चुके हैं और सारे नूं पता भी है कि यूके का जिहड़ा मोस्ट ऑफ द हैगा कि 100% सक्सैस रेट ही जा रहा है। बच्चा बहुत ही होंदा है कि कई बच्चे आके अगर उन अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा यूके तो रिफ्यूज़ हो गया तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग जहाँ लगता है कि यूके का तेरा वीज़ा कितना रिफ्यूज़ हो गया। तो जो उन्होंने पूछा जाता है कि इंटरव्यू आया सी बच्चा कहता है यस मेरा इंटरव्यू बेस पे रिफ्यूज़ होया। सो यूके एक वो कंट्री है जिरा अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा क्योंकि जी एस आर रूल उन्हों का यही कहता है कि हाई कमीशन
वह बच्चे तां तक रिफ्यूज़ बिना इंटरव्यू लिते रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। अगर उन्होंने उस बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन या उसकी फाइल में कोई कमी पेशी लगती है तो ही उस बच्चे का इंटरव्यू कॉल अप होता है। और उस टाइम पर बच्चा जड़ा है इंटरव्यू अगर नहीं कट पाता, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता वीज़ा ऑफिसर के अगे, तो वो रिफ्यूज़ होएगा। अदरवाइज़ यूके कभी भी इदा रिफ्यूजल नहीं देगी किसी भी बच्चे को। दो ही पैरामीटर से यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, एक होता है इंटरव्यू बेस से या फिर उदे फंड्स या जिहड़े उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिते ने उन्हां दे बेस से। सो जिहड़े भी बच्चों ने अपनी फाइलां ऑस्ट्रेलिया या यूके वास्ते अप्लाई कर दिती है या करन वाले ने, सो उन्हां दे अगे ही रिक्वेस्ट आ कि तुसी अगर अपनी फाइल लगा चुके हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की चाहे यूके की, एज पर उसकी जी टी रूल्स और जी एस आर रूल के अकॉर्डिंग ही लगाए हो, कोशिश करो कोई भी तुहाडा इदां दा डॉक्यूमेंट मिस ना होए उन चीज़ों के जिदे करके तुहाडा रिजल्ट डिले हो या कोई नैगेटिव रिजल्ट मिले। सो इदां ही होर भी बच्चे ने जिन्हां ने अपना ऑस्ट्रेलिया के वास्ते या यूके के वास्ते सोचा है अप्लाई करन दा, जे तुसी चाहते हो कि तुसी ओ सर्विसेज साडे ऑफिस ते लेना चाहते हो तो मेरे नीचे दिते नंबर ते तुसी कॉल कर सकते हो जिहड़ा कि 90410 90410 है, या तुसी मेरे किसी भी नियरेस्ट ब्रांच विच विजिट करके भी अपनी फाइल अप्लाई करा सकते हो जिहड़ा कि अमृतसर, जलंधर और लुधियाना दे विच है। सो बने रहो इस चैनल ते, तुहाडे फिर हाजिर होवांगे लेटेस्ट अपडेट्स नूं लैके। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।